हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलने वाले हैं भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली जनापाव। भैया, ये जनापाव पहुंचने का रास्ता कौन सा है? यहाँ से नीचे ना, ब्रिज से नीचे से। रास्ते में आगे जाते हुए हमें सबसे पहले भगवान काल भैरव का मंदिर मिला। कहा जाता है भगवान काल भैरव यहाँ के तपोवन की रक्षा करते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले भगवान काल भैरव के दर्शन किए और भगवान काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा पे आगे बढ़ चले। भगवान काल भैरव के दर्शन करने के बाद हमें मध्य प्रदेश शासन का एक और बोर्ड मिला, जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ से भगवान परशुराम जी की तपोभूमि शुरू होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें मंदिर दर्शन के लिए 4 किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ी पर चढ़ना होगा। यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है, आपको पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। मंदिर में पहुंचने के बाद हमें यहाँ पे भगवान परशुराम जी की और चाणक्य की 2 प्रतिमा मिली। प्रतिमा को देखने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर बतख दिखी। यहाँ पे पास ही में एक तालाब है जहाँ पे बतख पाले जाते हैं और यहीं से बतख मंदिर प्रांगण में घूमती रहती है और आए पर्यटकों का मनोरंजन करती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे एक तालाब मिला, शायद वो बतख यहीं पे रहती होगी। फिर यहाँ पे पास ही में एक भगवान शिव का मंदिर था तो हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए चले गए। लीजिए फ्रेंड्स, ये है भगवान परशुराम जी का मंदिर। कहा जाता है भगवान परशुराम जी का जन्म यहीं पे इसी जगह पे हुआ था, जहाँ पे लोगों ने भगवान परशुराम जी का बाद में मंदिर बना दिया। मंदिर के पास ही में एक भगवान शंकर का प्राचीनतम मंदिर है। कहा जाता है जो भगवान परशुराम जी के पिताजी है उनका आश्रम यहीं पे था और वो भगवान शिव की यहाँ पे पूजा करते हैं। अभी हाल ही में यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करा गया। अभी कुछ ही समय में भगवान परशुराम जी का यहाँ पे नया मंदिर बनने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की